दोस्तों एक फिर से एक वीडियो में आपका स्वागत है। दोस्तों आज मैं आपको बताऊंगा प्याज को कैसे उगाते हैं बोतल में। दोस्तों आपके पास बोतल आता है, जैसे बोतल की एक बड़ी साइज से बैटरी का पानी हो गया या बिस्लरी के 5 लीटर के पानी हो गया, तो अगर आपके घरों में आता है तो आप इस बोतल में बहुत आसान तरीके से इसमें प्याज उगा सकते हैं। दोस्तों कुछ लोग कहते हैं कि हमारे पास ज़मीन नहीं है, कुछ एक भी धूर ज़मीन नहीं है, तो मैं कैसे खेती करूँ। तो आपको मैं बताऊँ कि ये जो डब्बा है, डब्बे में मैं आपको दिखाऊंगा कम से कम 20 से 25 प्याज इसमें उगा के, और देखिएगा इस टेक्निक को कि इस जो टेक्निक है कितनी बेहतरीन है। इस टेक्निक को देखने के बाद आप खुद अपने घरों में प्याज को उगाइए। तो दोस्तों देखिए मैंने इसको यहाँ से कट कर लिया है, आप देख रहे हैं ये इसी का हिस्सा है, मैं इसको यहाँ से कट कर लिया है। और कट करने के बाद आपको करना क्या है, आपको इसमें एक नीचे भी छिद्र करना है, और नीचे छिद्र करने के साथ आप ध्यान से देख रहे होंगे ये बारीकी से, तो मैं हर तरफ इसमें छिद्र कर दिया है, इसको देख रहे होंगे आप। और दोस्तों करना क्या है आपको, इसमें नीचे भी एक छोटा सा छिद्र कर सकते हैं, ताकि इसमें हम वाटर हम डालेंगे ताकि नीचे से वाटर हल्का सा निकल जाए, इसमें वाटर स्टोर ना हो। तो अब मैं आपको बताता हूँ टेक्निक, आपको इसमें नीचे डालना है मिट्टी। दोस्तों मिट्टी जो है ये कोई भी मिट्टी का इस्तेमाल कर सकते हैं, नीचे आप मिट्टी डाल दीजिए। देखिए मैंने नीचे मिट्टी डाल दिया, और नीचे मिट्टी डालने के बाद दोस्तों जहाँ पे मैंने छिद्र किया है वहाँ पे आप प्याज लगा दीजिए। आप देखते रहिए, जैसे एक मैंने यहाँ पे छिद्र किया है, एक मैंने यहाँ पे प्याज लगा दिया, उसके बाद दोस्तों एक छिद्र यहाँ पे है, एक मैंने प्याज यहाँ लगा दिया, उसके बाद जहाँ जहाँ छिद्र है जैसे जैसे छिद्र है उस तरीके से आप यहाँ पे प्याज लगा दीजिए।
दोस्तों देख रहे हैं ये पूर्ण रूप से बन के कम्प्लीट हो गया। अब आप इसी तरीके से आपको भी बनाना है। और इसमें दोस्तों दो दिन तीन दिन पे जब पानी सूख जाए तो हल्का हल्का फव्वारा से आप पानी दे दीजिए ताकि ये पानी मिट्टी के सहारे यहाँ तक पहुँच जाए। और दोस्तों देखेंगे आप कुछ दिन बाद देखेंगे जितने मैंने प्याज इसमें लगाया सारे प्याज ही निकलेंगे। तो मैं आपको दिखाते हैं कम से कम एक हफ्ते का बाद का आपको अपडेट। दोस्तों देख सकते हैं ये आपके सामने इसका अपडेट है। देखिए अच्छे तरीके से ये सारे प्याज निकल रहे हैं। और सभी प्याज इसमें से निकलना शुरू हो गए हैं। असत्य दोस्तों आपको ध्यान है कि हमेशा इसको बराबर आप पानी देते रहिएगा। और फिर इसके बाद मैं आपको एक हफ्ते बाद आपको इसका अपडेट दिखाते हैं। दोस्तों पूरे एक हफ्ते बाद आपका स्वागत है और आपके सामने ये अपडेट है। आप देख सकते हैं ये कितना बेहतरीन तरीके से प्याज उगाया हुआ है। और एक भी प्याज ऐसा नहीं है जो ग्रो नहीं किया है। छोटे बड़े प्याज इसमें है लेकिन सारे प्याज आ चुके हैं। दोस्तों ये टेक्निक को आप भी इस्तेमाल करिएगा। और मैं इसके बाद आप आगे बताता हूँ करना क्या है। जो प्याज इसमें बड़ी हो गई है उस प्याज को आप कट कर लीजिए। कट करके आप अपने घरों में इसको इस्तेमाल कर लीजिए। और उसके बाद अब इसमें दे दीजिए पानी। पानी दे देंगे तो फ़ायदा यह होगा कि जो प्याज को कट करेंगे फिर वहाँ से प्याज ग्रो करना शुरू हो जाएगा। तो मैं प्याज को कट कर लेते हैं। देख रहे हैं कट करके आप रख लीजिए। अब इससे क्या हुआ, इससे आपको डबल फायदा होगा। एक तो ये जो कट कर रहे हैं ये आपको किचन में काम आ जाएगा सब्जी बनाने में। जो छोटे छोटे हैं उसको ज़्यादा ना कट करिएगा आप। जो बड़े बड़े हैं इसे कट कर दीजिए। इतना आपको अब इस्तेमाल कर सकते हैं। अब इसको आप अलग से दे दीजिए पानी। और पानी देने के बाद आप इसको एक सप्ताह बाद फिर इसको हार्वेस्टिंग आप कर सकते हैं। हार्वेस्टिंग करेंगे तो आपको फ़ायदा हमेशा ये होगा कि ये आपको मिलता रहेगा और इसका आप इस्तेमाल करते रहेंगे हमेशा। और जब तक ये पूरी तरीके से ये ख़त्म ना हो जाए तब तक आप इसको हार्वेस्टिंग करते रहिए। दोस्तों इस गजब की टेक्निक का वीडियो आपको कैसा लगा? अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को दोस्तों लाइक आप ज़रूर करिएगा। और लाइक के साथ दोस्तों शेयर करना ना भूलिएगा। क्योंकि दोस्तों आप देख रहे हैं कि आपके पास जो ख़राब बोतल पड़ी हुई उस ख़राब बोतल को आप यूज किए हैं और यूज करने के बाद आप प्याज को ग्रो किए हैं। और मार्केट में आप दोस्तों जानते होंगे प्याज बहुत ही महंगा बिक रहा है। तो आप प्याज घरों में उगाइए, उगाने के बाद आप अपने घरों में इस्तेमाल करिए। दोस्तों ये टेक्निक अच्छा लगा होगा तो ज़रूर मैं आपसे दोबारा एक बार रिपीट कर रहा हूँ कि इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। लाइक के साथ दोस्तों शेयर करना न भूलिएगा। दोस्तों आर्यन कुशवाहा यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। सब्सक्राइब से बेल आइकन को प्रेस ताकि आने वाला वीडियो आपको लगातार मिलता रहे। दोस्तों इस तरीके का न्यू वीडियो मैं आपको फिर बना के दूंगा। इसके लिए धन्यवाद।